गाइस, वेलकम टू अवर ट्विन सिस्टर्स चैनल। आई एम मैत्री। और हम कौन थे? तो आज हम बना रहे हैं Q&A रिलेटेड टू शिह त्ज़ू पपीज। लाइक क्योंकि हमारे चिकू भी एक शिह त्ज़ू है, तो हमने सोचा क्यों ना एक Q&A बनाया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। बनाया जाए नहीं, किया जाए, या मतलब Q&A किया जाए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते रहते चिकू से रिलेटेड। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अलग से वीडियो बना ले। और हमने इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी डाली थी, यही मतलब आप लोग क्वेश्चंस पूछे जिसमें, और यूट्यूब कम्युनिटी में भी हमने डाला था। तो कुछ लोगों ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हम वही उन्हीं के आंसर देने वाले हैं इस वीडियो में। चिकू देखिए, चिकू को हमने यहाँ पे रोका हुआ है। एक चिकू देखो, बिस्किट बिस्किट के लालच, इसके बिस्किट के लालच हमने रोका हुआ है। इधर देखो, उधर देखो, अच्छा उधर देखो, चलो अच्छा रुको रुको रुको, ये देखो क्या है ये। ईट और देख रहे हो, सब करके लालच में हमने इसको रोका हुआ है कि चिकू कि बिस्किट मिलेगा तुमको, बिस्किट मिलेगा, ताकि आप लोगों से थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवा पाए हम। तो ये है हमारा चिकू, जो कि एक शिह त्ज़ू पपी है। देख पा रहे हो इसको, इसकी हरकतें कैसी है। इज वेरी नॉटी। मुझे नहीं मिलने वाला, तो ये लो जाओ, आप जाओ, तुम जाओ, छुट्टी होगी तुम्हारी, जाओ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज चिकू। सो चिकू है 1 ईयर ओल्ड, को बताते हैं, बिकॉज हम चिकू को लेके आए थे June 14 को, तो जब वो 40 days का था ऑलरेडी, तो मई में हुआ था, इसका मतलब ऑब्वियस है। तो बट हमने उसका बर्थडे डेट जो है वो हमने June 14 रखा है, बिकॉज वो हमारे घर जब ही आया था, एंड तो हमारे लिए वो तभी पैदा हुआ एक तरीके से। सो हाँ, चिकू ऑलरेडी 1 ईयर ओल्ड हो चुका है जी। The next question is reason behind keeping the name as Chiku and nothing else. तो लाइक हमने चिकू नेम इसीलिए रखा था क्योंकि इतना अचानक से हम ऐसी बात कर रहे थे कि हम एक डॉग लेंगे, शिह त्ज़ू लेंगे, जो भी ऐसा कुछ लेंगे। तो हमने सोचा नहीं था उसका नाम क्या रखें। जब हम चिकू आया था एक्चुअली घर में, उससे पहले उसका हमने नाम रख दिया था। हम रिसर्च बहुत कर रहे थे कि ना क्या क्या नाम होते हैं, वही एज यूजुअल टॉमी शॉमी होते हैं। हाँ। तो हमने कहा था नहीं, वो कॉमन से नेम नहीं रखने, रियो वगैरह काफी सिमिलर नेम हो ना, ऐसे दिल को से टच नहीं करता वो नाम के, जैसे हम चिकू बोलते थे सकता है कि दिल से वो प्यार से प्यार से बोल रहे हैं। तो फिर हमने, मम्मी ने हमें सजेस्ट किया था ये चिकू नेम, हमें रैंडम था बहुत। हाँ। मम्मा ने मजाक मजाक बोला चिकू रख देते हैं, मैंने कहा चिकू हाँ बहुत सही, बहुत ही क्यूट सा नेम है, वी मस्ट कीप चिकू एज अ नेम। एंड हम उसका नाम भी चेंज करने वाले थे, हम उसका नॉडी भी रखने वाले थे नेक्स्ट जब वो चिकू घर आ गया था, क्योंकि नॉडी आपको याद हो तो एक कार्टून नेटवर्क पे, मतलब आई थिंक पता नहीं किस पे तो आता था, एक कार्टून था नॉडी, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था नॉडी नाम। बट हमने ऑलरेडी आपको भी अनाउंस कर दिया था कि हमने चिकू रखा है, एंड चिकू को भी अपना नाम सुनने की आदत हो गई थी कि धीरे धीरे वो अपना नाम भी सीख जाते हैं, मतलब सुनना, तो वो उसी को आंसर करता था। जैसे हम चिकू बोलेंगे तो फिर देखता था कौन मुझे बुला रहा है, तो हमने सोचा कि अब फिर से स्विच कर देंगे इसका नाम, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हमने उसका नाम चिकू ही रहने देता। और चिकू काफी क्यूट सा स्वीट सा नेम है, तो मतलब बेसिकली हम बहुत रैंडमली हमने रखा, कुछ सोच के, कुछ ऐसा सोचा नहीं था, बस एक दिन मम्मी ने अचानक से मजाक में ऐसी बोला चिकू रख देते हैं, तो मैं चिकू खा रही थी उस टाइम पे, तो ठीक है चिकू रख दे, बिकॉज चिकू इज ब्राउन है ना, हमारा जो चिकू था वो भी ब्राउन था, जब व्हाइट एंड ब्राउन समथिंग, व्हाइट एंड ब्राउन था, तो वैसे उसका नाम चिकू पड़ा जी। The next question is, whom does Chiku love the most except auntie? तो आपको बताते हैं, सबसे ज्यादा उस घर में लाइक पूरे लाइक जीवन में जिसको वो प्यार करता है वो है डैडी, बिकॉज आई थिंक हमसे जब उसको लेके आए थे तो हमसे ही सबसे ज्यादा अटैच था वो, स्टार्टिंग 20 days। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे और दीदी से, हम हमारी आवाज सुन के वो कहीं से भी निकल के आ जाता था। बट हम जब कहीं ट्रिप पे चले गए थे काजा, तो फिर उसके बाद हम जब आए स्पीति वैली, स्पीति वैली, तो वो हमको भूल चुका था जी, जब उसको ना अटैचमेंट नहीं रहा उसको ना, तो सबसे ज्यादा अटैचमेंट से डैडी से हो गया, बिकॉज डैडी की लाइक अटमोस्ट केयर करने लग गए थे, खाना पीना पूरा हर चीज, लाइक जिसको दिन में कितनी बार बिस्किट चाहिए हाजिर है, खाना चाहिए हाजिर है, हम उसके एक टाइम टेबल बना रखा है कि नहीं इस टाइम पे उसको देना है, नहीं देना इस टाइम पे, बट डैडी को जब मौका मिला तब देते रहते हैं पूरे टाइम। तो ऑब्वियसली फेवरेट तो डैडी है उसके, एंड ऑब्वियसली मम्मी भी फेवरेट है उसकी, बट सबसे ज्यादा डैडी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज चिकू लाइक टू ईट द मोस्ट? सो ये गुरबानी ने पूछा है। सो चिकू को सबसे ज्यादा आई थिंक कोई भी सैलेड अच्छा लगता है उसको, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बिस्किट, जो मैंने आपको भी दिखाया, एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको, इतना बड़ा डेमो दिखाया था कि चिकू बिस्किट कहीं से बोल देंगे तो भाग के आ जाएगा। या एंड उसका फेवरेट है मीठा, पर मीठा उसको मैं एज एन शुगर नहीं दे सकते हैं, तो वो अनहेल्दी है, बट उसको हम देखो हम दे नहीं सकते, तो उसको हम लोग इनडायरेक्टली शुगर देते हैं एज एन फ्रूट्स के थ्रू, जैसे कि उसको दे दिया हमने कोई भी फ्रूट जैसे कि वाटरमेलन, बट ऑब्वियसली उसकी लिमिटेड क्वांटिटी होती है, ऐसे नहीं कि कितना भी खिला देंगे, थोड़ा थोड़ा उसको
वॉट है मिलेगा दिया, पेट ने भी अलाउ कर रखा है कि फ्रूट्स आप खिला सकते हो बिकॉज वो उसमें ज्यादा शुगर वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, बट कुछ कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते पेट्स के लिए, जैसे कि ग्रेप्स हो गया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप रिसर्च कर सकते हो, बट हमने थोड़ा बहुत गूगल से किया हुआ, बट हमको इतना पता है कि वाटरमेलन वगैरह खिला सकते हैं, जूसी होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि ऑरेंज वगैरह भी, शिजू वगैरह को बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम वो भी दे देते थे चीकू को पहले ना, तो अभी तो थर्ड अंडा वाटरमेलन ही लव दैट, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा हो रही है, सो हाँ आई थिंक फ्रूट्स को बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो क्यूक्यूम्बर, क्यूक्यूम्बर उसको पता क्या करते हैं, उसको वो प्रॉपरली खाना नहीं खाता, तो कभी कभी उसके क्यूक्यूम्बर मिला देते हैं उसके राइस में, तो वो खा लेता है इजीली, टोमेटो। सो ये चीकू का खाना है, मतलब अटमोस्ट उसको यही सारी चीजें पसंद है। So the next question is, from where did you thought of getting Shih Tzu as a puppy? Like no other choice. Like okay. हमने काफी रिसर्च करी थी जब हम चीकू को जब घर में लेके आए थे उससे पहले, क्योंकि हम चाहते थे हमें एक पप्पी तो चाहिए, फॉर श्योर एक पेट हमें चाहिए, बट वो कौन सा होना चाहिए, गोल्डन रिट्रीवर होना चाहिए या फिर लैब्राडोर होना चाहिए, बट हमको था कि हमको ऐसा बड़ा डॉग नहीं चाहिए जो घर में फिट ना हो सके हमारे, क्योंकि फ्लैट ऐसा तो नहीं है कि बंगलो हो कि आपको बहुत ही गार्डन शार्डन हो, मस्त घुमाओ उसको बाहर, तो उसके लिए भी कम्फर्टेबल हो जिसको हम एज अ पेट लेके आए और हमारे लिए भी कम्फर्टेबल हो, तो हमने सोचा हम एक छोटी ब्रीड लेंगे जो कि शिह ट्ज़ू, आई थिंक काफी छोटी छोटी ब्रीड्स में ही आते हैं, तो ये ऑप्शन हमें शिह ट्ज़ू बहुत अच्छा लग रहा था, देखते ही शिह ट्ज़ू और माल्टीज ये सब सिमिलर लगते हैं, तो हमको देखते ही बड़े प्यारे लग रहे थे, तो हमने तो मैंने ना एक मेरी फ्रेंड है धीरिका, उससे भी मैंने काफी बात पूछा था कि कैसा इनका बिहेवियर वगैरह होता है, क्योंकि उसके ऑलरेडी काफी शिह ट्ज़ू पेट है उसके पास, तो उसके दो तीन है शिह ट्ज़ू, तो लाइक मैंने उससे पूछा लाइक कैसा बिहेवियर रहता है, ठीक है काटेंगे वाटेंगे तो नहीं ना, लाइक ये हमारा बहुत बड़ा फियर था डॉग, बट हमको चाहिए भी एंड फियर भी हमारे, क्योंकि हमें था कि बहुत क्यूट लगते हैं ये डॉग, था कि हमें चाहिए ही चाहिए पेट, और तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी लाइक क्या, तो हमने काफी रिसर्च करी, तो हमने सोचा शिह ट्ज़ू जो है वो बेस्ट रहेगा हमारे फ्लैट के लिए भी, हमारे लिए उसके लिए भी बहुत कंफर्टेबल रहेगा इजीली, कि उनको बाहर घुमाने का वॉक पे कंपलसरी कंपलसरी नहीं है, वॉक पे लेके जाओ, घर पे अगर आपका अच्छा खासा होता बड़ा फ्लैट है तो इजीली आई पे बॉल वॉल से वो खेल के अपना इतना ही उसके लिए काफी एक्सरसाइज उसकी, हां उसके लिए इतनी एक्सरसाइज काफी है, तो हमने इसलिए शिह ट्ज़ू को एज अ पेट घर पे लेके आया जी। So the next question is, can working people keep a dog? Also, how you have trained him and what is his meal schedule, veg or non-veg? तो काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, बट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये क्वेश्चन है कि सबका होता है कि लाइक एज अ कोई वर्किंग यू नो वर्किंग पर्सन हो तो क्या वो कैसे डॉग को मतलब रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। सो हम आपको बता दें, अगर आप वर्किंग मतलब काम वगैरह करते हो, ऑफिस वगैरह जाते हो, तो आप रख सकते हो, लेकिन आप घर पे कोई रहना चाहिए, लाइक कोई फैमिली मेंबर हमेशा एक बंदा घर पे रहना ही चाहिए, लाइक घर पे हमेशा हमारे मम्मी डैडी वगैरह रहते ही हैं हमेशा घर पे, तो हमको ऐसे टेंशन नहीं होता कि हम बाहर जाएंगे तो चीकू की टेक केयर करने के लिए कोई घर पे है, बट अगर आप अलोन रहते हो तो बहुत मुश्किल है एज अ पेट रखना कोई भी, क्योंकि वो भी खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज यू नो आप बाहर रहोगे ऑफिस में रहोगे आपको भी टेंशन रहेगी कि वो घर में क्या कर रहा होगा, स्टार्टिंग में जब से 3 months का जब बहुत छोटा होता है हम लेके आते हैं उसको, आई थिंक 45 days का होता है, तो एक तरीके से उसको पूरा 24 hours में पूरा एकदम ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, एक तरीके से आपको ऐसा होता है कि 24 घंटे आपको साथ ही रहोगे, वो बहुत छोटे होते हैं, कोई भी पेट लेके आओगे सबसे कोई छोटा ही होता है, उसको पता नहीं था कहाँ पे जाना है, क्योंकि उसके लिए वो जगह न्यू है, तो टाइम लगता है एडजस्ट होने में उस जगह पे, तो उसको खाना पीना कौन देगा, फीड कौन करेगा, या फिर उसकी नो जो क्या बोलते हैं क्लीनिंग कौन करेगा, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, या तो आप इसलिए अगर आप अकेले रह रहे हो और आप वर्क भी करते हो लाइक ना जॉब वगैरह भी है तो थोड़ा सा मुश्किल है पेट रखना, आई थिंक काफी मुश्किल है कि आप घर पे पेट को छोड़ के जाओगे तो उसके लिए एक तरीके से लाइफ हेल हो सकती है कि वो घर पे क्या करे, अब हमें लगता है कि आई थिंक ये राइट डिसीजन नहीं है रखने का पेट अगर आप अकेले रहते हो घर में और आप जॉब भी करते हो तो, बिकॉज उसका पूरे दिन ध्यान कौन रखेगा एंड लाइक यू नो फीडिंग वगैरह भी कौन कराएगा उसको, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए और आपके लिए भी, तो आई थिंक आपका आपका जवाब मिल चुका है, और ऑल्सो आधा जो क्वेश्चन है उसका भी जवाब देते हैं, हाउ यू हैव ट्रेन्ड हिम, आई थिंक ट्रेनिंग तो हमने उसको 7 या 8 months तक कुछ भी नहीं दी थी, जो खुद ही हमने थोड़ा बहुत सिखाया था उसको, लाइक ईट सिट लाइक नॉर्मल सा बिहेवियर, जैसे कि हम उसको चिल्लाते थे अगर वो कहीं पे भी इधर उधर पी कर देता था, तो थोड़ा सा यू नो ऐसे आप जैसे बच्चे को डांटते हो सिखाते हो कुछ कुछ चीजें वैसे ही थी, और जैसे कि ईट सिट एंड वॉक नॉर्मल लैंग्वेज हम बोलते तो उसको भी समझ जाती है, आप समझ जाती है साथ साथ इशारे भी कर रहे होते वैसे करके, तो वो समझता है कि किधर जाना है मुझे, उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि वो आई थिंक 3-4 months के बाद अच्छे से इजी समझने लग जाते हैं जितने भी डॉग्स या पेट्स होते हैं। सो थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है, व्हाट इज हिज मील शेड्यूल, वेज और नॉन वेज, तो हमारा चीकू है प्योर वेजिटेरियन लाइक अस, तो लाइक हमने चीकू को आज तक कभी कुछ भी नहीं खिलाया नॉन वेज में, सिवाय उसकी रॉयल कैनिन के, स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा रॉयल कैनिन खिलाया था बिकॉज वेट ने रिकमेंड किया था उसको 1-2 महीने खिलाने के लिए, बिकॉज जबकि बाद तो उसके बाद वो नॉर्मल जैसे हम खाते हैं रोटी और चावल वगैरह वैसी चीजें खाते हैं, बट उसको थोड़ा सा
ऑब्वियसली स्पाइसी नहीं कुछ भी देते हैं, मीठा कुछ इतना नहीं देते हैं. बॉइल्ड राइस विद टोमेटोज एंड यू नो क्यूकम्बर, लाइक ऐसी चीजें देते हैं. मतलब हम कोशिश करते हैं जो भी चीजें दे उसको बॉइल्ड है, उसमें स्पाइस ना हो कोई भी, लाइक नमक मिर्ची कुछ भी ऐसा ना हो. तो यही हमारी पूरी कोशिश है. लाइक कर्ड के साथ राइस दे दी कभी, यू नो रोटी के साथ कर्ड दे दी, ऐसे उसको उसको पसंद भी है और कभी कभी बहुत नखरे भी करता है मेरी चीज खाने से. तो हमारे पास एक और सोल्यूशन है, हम क्या करते हैं ऊपर टॉपिंग्स डाल देते हैं जिसको पसंद होती है. जैसे कि उसको अगर पसंद है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया टोमेटो, तो वो चीज जो दही चावल उसको नहीं खाने, तो उसके टॉपिंग्स हम डाल देंगे क्यूकम्बर की, तो वो खा लेगा. या पूरा चेक कर जाता है. ये हमारी एक आपको टिप रहेगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्ले स्टाइल, हाउ यू ट्रैवल, डू यू हैव समवन हु टेक केयर ऑफ डॉग व्हाइल यू आर आउट, कैन डॉग्स ट्रैवल विद अस. सो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग अगेन. तो इसमें है कि लाइक चीकू हमारे साथ ट्रैवल, लाइक शिद्धू पप्पीज ट्रैवल कर सकते हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल कर सकते हैं. आई थिंक कोई और पेट भी कर सकता है, बट वो ज्यादा ड्राइव जो है वो लंबी ना हो. आई थिंक 2 घंटे के बाद आप एटलीस्ट उसको बाहर निकालो. जब अगर आप कार में जा रहे हो तो आप उसको बाहर निकालो, उसको वगैरह कराओ, थोड़ा सा घुमाओ, ताकि उसको भी ऐसा एंजाइटी फील ना हो बहुत ज्यादा. आई थिंक हम चीकू भरतपुर भी ले गए थे, विच इज लाइक 4 आवर अवे फ्रॉम दिल्ली, सो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती चीकू को. तो लाइक ट्रैवल कर सकते हो अगर छोटे पप्पी है तो, बड़े पप्पी का पता नहीं हमें, बट कि हमने अभी ऑब्वियसली वी हैव छोटू सा पप्पी. सपोज हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली मम्मी रेडी रहती है उसके लिए टेक केयर करने के लिए, तो हमें ऐसा कुछ टेंशन भी नहीं होता. बट चीकू को आज तक घर में अकेले नहीं छोड़ा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा यू नो कंसर्न है कि आप कभी भी घर में अकेले पेट को नहीं छोड़ सकते हो कभी, बिकॉज काफी डिप्रेशन हो जाता है शिह ट्ज़ू वगैरह के लिए. अगर घर में अकेले छोड़ दो ना तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाता है. ऐसा लाइक आप किसी बच्चे को भी छोड़ो घर पे तो वो कैसे रह लेगा. ऐसे ही वो चीकू, मतलब चीकू हमारे लिए बच्चा ही था, छोटू सा है वो भी. एंड लाइक हमने उसको आज तक अभी से आदत डाली नहीं कि लाइक हम कभी जा रहे हैं आधे घंटे के लिए मार्केट. सपोज हम सब फैमिली भी जा रही है साथ में, तो हमारे मामा जी पास में रहते हैं, तो वो यहाँ पे रहते हैं फिर उसके साथ बच्चे जो है उनके, वो वहाँ पे यहाँ पे रहते हैं. तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम सब गए हो और चीकू अकेला बेचारा घर में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ अभी तक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आपने ये डॉग लिया तब आपका मम्मा और पापा और अदर रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? देख मम्मा, देखो मम्मी डैडी का तो सबका नॉर्मली था, बिकॉज वो एक्चुअली में उनको बता के गए थे, डैडी तो मेरे साथ ही गए थे, तो मम्मी डैडी का ऐसा कुछ नहीं रिएक्शन था, नॉर्मल लाइक खुश थे वो लोग. कन्विंस करना बहुत बहुत मुश्किल था. हमने इतना यकीन दिलाया कि हम ही सब कुछ करेंगे, हम ही पूरी क्लीनिंग रखेंगे, हम ही उसकी सुसु पॉटी साफ करेंगे, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखेंगे. जी ऐसे करके हमने मम्मी डैडी को कन्विंस, लाइक हमको 7 to 8 months लगे, 8 months लगे मम्मी को कन्विंस करने में. डैडी तो ऑलरेडी हमारे साइड, बिफोर गेटिंग शिह्ट्ज़ू, लाइक बिफोर गेटिंग चीकू, तो ये सब कुछ तो पहले की बात थी. बाद में आई थिंक किसी ने ऐसा कुछ खास बोला नहीं कि क्यों लाए, थोड़ा बहुत बीच में कोई बोल देता था कि बेटा देखो अब तो बाहर जाओगे तो सब कौन ध्यान रखेगा, तो वो वाली बात कभी कभी आती थी, अभी भी आती है स्टिल कि बेटा देखो बाहर जाएंगे अब चीकू का ध्यान कौन रखेगा. हम कहीं ऐसे अचानक से कोई ट्रिप प्लान बना ले कि यहाँ निकलते, तो वो अचानक से ट्रिप नहीं कभी नहीं बन सकती. वो लाइक सारी फैमिली के साथ, या सारी फैमिली से तो कभी नहीं बन सकती. अगर जस्ट इन केस बस मैं दीदी भैया भाभी जाए तो अलग बात है. काफी सारे क्या बोलते हैं, सो केयर सेंटर बोलते हैं जिनको पपी वगैरह के लिए होता है, बट आई बट हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो लोग कैसे रखेंगे, तो इसलिए हम कभी छोड़ नहीं सकते वहाँ पे. आई डोंट नो ऐसा दिन भी ना कभी आया, क्योंकि हम बहुत ऐसा स्ट्रेसफुल सा हो जाता है ना, वो पता नहीं कैसे रखेंगे, पता नहीं कैसे साफ सफाई रखेंगे. बहुत बड़ा मेजर दृष्टि मुझे ओसीडी है, तो लाइक हमको तो ऐसा होता कि लाइक चीकू को लाइक ढंग लाइक यू नो पूरा सैनिटाइजेशन का प्रॉपर पता नहीं कैसे ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे हम लोग, तो जो भी है इसलिए हम थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं. अदरवाइज आई थिंक सारे रिलेटिव्स का अच्छा ही रिएक्शन था, कि बिकॉज चीकू था ही इतना क्यूट, अभी भी इतना ज्यादा क्यूट है वो, तो सबका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है चीकू देख के, एकदम यू नो बैड मूड होता है किसी का तो देखते चीकू एकदम खुश हो जाता है सब. सो ऐसा कुछ सारे रिलेटिव्स खुशी है और खुशी थे उस टाइम में भी. ओके सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हेन डिड यू अडॉप्ट चीकू एंड व्हेन इट बिकेम फ्रेंडली टू बोथ? तो चीकू को तो हम लेके आए थे 14th Jan को, लाइक लास्ट ईयर. एंड फ्रेंडली वो लाइक 2 दिन जब भी हो गया था, आया था उसी दिन वो काफी फ्रेंडली था हमारे साथ. तो नहीं नेता भी नहीं था, मतलब वो डरता था क्योंकि एकदम से उसको एकदम नए लोग थे ना, तो एकदम शाम को ही लेके आए थे हम. हाँ पर वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत डर के इधर उधर भाग रहा है, ऐसा तो नहीं. तो वो ऑब्वियसली फ्रेंडली था, ऐसा नहीं था कि हमको काट रहे, बहुत छोटा था तो उसके दांत भी नहीं आए थे उस टाइम पे. तो ऑब्वियसली फ्रेंडली तो आई थिंक वो फर्स्ट डे से ही रहा है, बट हमको थोड़ा स्टार्टिंग में डर लग रहा था कि हमारा फर्स्ट एवर पपी है वो पेट है, तो ऐसा डर लग रहा था कि हम उसकी केयर कर पाएंगे कि नहीं, बस वो डर था हमको. तो अब सब कुछ अच्छे से हो गया है, आप देख सकते हो 1 साल हो गया, चीकू हमारा इतना बड़ा हो गया है. सो ये थी हमारी आज की वीडियो Q&A चीकू से रिलेटेड, लाइक शिह ट्ज़ू पप्पी से रिलेटेड, जो कि लाइक काफी क्वेश्चन आते ही रहते थे हमको वीडियोस में चीकू के बारे में.
स्पेसिफिक Q&A करो या फिर लाइक उसके बारे में बताओ, शिज़ुबी के बारे में बताओ. तो हमने फाइनली हमने वो वीडियो बना दी. इसके बारे में एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी व्हाट एसेंशियल्स यू मस्ट हैव बिफोर गेटिंग अ शिज़ु पपी. तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, कार्ड यही कहीं पॉपअप हो गया होगा. सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो. तो ये थी हमारी क्यूट सी छोटू सी ना छोटी बड़ी काफी बड़ी वीडियो हो गई है. सो या लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. सी यू सून. टिल देन बाय बाय.